जिसके पास अगर ये वाला रिमोट की होता है तो ये वाला प्रॉब्लम जो मेरे दोस्त के साथ हुआ वो नहीं होगा आपके साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रीकांत और आपको मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपको एक इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि रिलेटेड टू कोई सिक्योरिटी फीचर है और टेटा अल्ट्रोज में उसको कैसे हम मतलब टैकल किया गया है वो मैं बता रहा हूँ। तो मेरे ऑफिस में एक दोस्त थे, उनका मारुति सिलेरियो का ओल्ड वर्जन गाड़ी था। तो उसमें एक बार क्या हुआ था कि ऑफिस में आ रहे थे और उनका कुछ सामान बूट में था, तो वो क्या किए थे कि जो उनके चाबी था वो नॉर्मल वाला मैकेनिकल की वाला चाबी था, वो अपनी चाबी को अपने डैशबोर्ड में ही छोड़ के फिर चले गए थे बूट में कुछ सामान लाने, ठीक है। और उनका डोर जो था वो लॉक हो गया, ठीक है, और वो सामान निकाले और बूट को भी ऑन कर दिए, तो वो उनका गाड़ी जो है वो फंस गया, मतलब चाबी अंदर रह गया लेकिन गाड़ी लॉक हो गया था बाहर से, ठीक है। अब बूट से बूट भी बंद हो गया था, तो वो गाड़ी खोलने का कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास। इधर हमारा जो यहाँ पे विंडो है, इस विंडो को हमको तोड़ के उसको चाबी को निकालना था, इसका जो कांच है इसको तोड़ के निकालना था। सेकंड थिंग था हमारे पास कि हम कुछ मैकेनिक को बुलाए, तो मैकेनिक से फिर इसको इसका जो सेंट्रल लॉकिंग वाला सिस्टम है इसको वो फिर तोड़ के वो निकाल दे। तो क्या हुआ कि वो मैकेनिक आया, मैकेनिक आने के बाद क्या किया कि वो एक स्केल लेके आया था, इसका जो पुराना वाला गाड़ी है, सब हमारे पास जो पुराने गाड़ी होते हैं तो यहाँ पे ये जो लॉकिंग वाला मैकेनिज्म होता है, तो यहाँ पे वो लोग क्या कहते थे, एक स्केल डाले थे इधर, ठीक है, एक स्केल डाल के फिर ये लॉक को तोड़े थे, फिर इनका यहाँ से अनलॉक हो गया। अनलॉक होने के बाद वो फिर अपना चाबी लेके फिर अपना गाड़ी स्टार्ट कर पाए, ठीक है। ये जो प्रोसीजर है ये पुराने गाड़ी में था, ठीक है, जहाँ पे बूट हमारा यहाँ से ओपन हो जाता था, जैसे यहाँ पे अभी मेरा आगे का हुड ओपन करने का है लेकिन बूट ओपन करने का सिस्टम नहीं है इसमें, इसमें टाटा में हटा दिया गया है वो चीज़। आप बूट ओपन करोगे तो इधर यहाँ से करो, ठीक है, या फिर आपका जो पीछे रिक्वेस्ट सेंसर है वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है मैं बता देता हूँ, जिसके पास अगर ये वाला रिमोट की होता है तो ये वाला प्रॉब्लम जो मेरे दोस्त के साथ हुआ वो नहीं होगा आपके साथ। कैसे मैं दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे लॉक कैसे नहीं होता है। मोस्टली गाड़ी का जो चाबी आप लोग मान लो इस यहाँ पे छोड़ दिया मैंने, ठीक है, अब गाड़ी में जा रहा हूँ, यहाँ से बंद कर रहा हूँ, ठीक है, बंद कर दिया। अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर को प्रेस कर रहा हूँ तो गाड़ी मेरा ऐसे ऑन देना शुरू कर देगा, ठीक है, कि गाड़ी में चाबी रह गया है और आप बाहर जा रहे हो और लॉक करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक, गाड़ी लॉक होगा ही नहीं, ठीक है, ये आपको बता देगा। तो हम क्या करें, फिर से गाड़ी में चाबी निकाल के, ठीक है, मैं चाबी निकाल दिया और यहाँ पे मैं लॉक कर दिया, तो ये लॉक होता है और कुछ वार्निंग भी मेरे को नहीं देता है। तो गाड़ी का जो रिमोट सेंसर की है आप हमेशा अपने पास रखो, अपने पॉकेट में ही रखो, मोस्टली गाड़ी के अंदर मत छोड़ो। अगर बूट ओपन कर रहे हो तो उस टाइम ध्यान रखो कि भाई चाबी आपका डैशबोर्ड में ना रुके। अगर आपके पास रिमोट की नहीं है, नॉर्मल वाला की है, तो ये वाला इंसिडेंट थोड़ा सा मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, जो मेरे कॉलिग को फेस किए थे, तो उनको फिर मैकेनिक को बुला के तोड़ना पड़ा ये वाला लॉक, फिर इनका जो भी खर्चा आया होगा तो देना पड़ेगा इनके पास, ठीक है, क्योंकि मोस्टली लोगों के पास दूसरा चाबी नहीं होता है, अपने पास दो दो चाबी तो कोई नहीं रखते हैं, अपने घर पे ही रखते हैं। तो घर से अगर घर दूर है आपका तो घर से बुलाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इस इंसिडेंट से आप लोग एक चीज़ सीख लो कि गाड़ी के अंदर आप कभी भी चाबी छोड़ के मत जाओ, अगर आपके पास मैकेनिकल की है, अगर आपके पास रिमोट की है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय जगन्नाथ।